मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैसेल्फ विकास कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर और क्लास है आपका 3। और जो हम लोग लेसन पढ़ चुके हैं 3 लेसन तक, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन 4 के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेसन 4 में, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन 4 के बारे में हम लोग जानेंगे। ताकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेसन का जो हम लोग जानकारी प्राप्त करना है लेसन के बारे में, वो हमको कौन सा लेसन है, क्या नाम है लेसन का, चलिए देखते हैं। दिया है कि मेरा लेसन का जो नाम है मोर ऑन एमएस पेंट। एमएस पेंट पिछले भी आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका है पेंट के बारे में, कैसे इसको ओपन किया जाता है और क्या उसमें किया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से जो भी भूल गए होंगे फिर से याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। दिया है कि इसमें कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग को पढ़ना है एमएस पेंट के बारे में, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट एमएस पेंट, टूल्स इन एमएस पेंट, और सेव आवर वर्क और ओपन आवर सेव वर्क। अब हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिया है कि हाउ टू स्टार्ट एमएस पेंट, यानी कि कैसे एमएस पेंट को स्टार्ट किया जाता है। देखिए स्टार्ट जो ऐसे दो तरीके से होता है, ऐसे आप लोग स्क्रीन पर देखे होंगे कि पेंट का जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन पर ही रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं उस पे, तो मेरा पेंट जो है ओपन हो जाता है। लेकिन सेकंड जो है स्टेप बाय स्टेप ओपन होता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ दिया है कि स्टेप वन में क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेरा टास्क बार कहाँ रहता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे हम लोग का यहाँ आ गया आपका मॉनिटर, यहाँ आपका इतना स्क्रीन रहता है और आपका जो यहाँ जो रहता है विंडो जैसा रहेगा, ये है आपका स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन, और जो इसके नीचे रहता है यही है आपका टास्क बार, इसी को बोलेंगे टास्क बार। जो कि टास्क बार में जो स्टार्ट बटन रहता है उस पर क्या करना है, एक बार क्लिक करना है एक बार, वो भी लेफ्ट बटन। चलिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप है आपका दिया है कि क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन प्रेजेंट इन स्टार्ट मेनू। स्टेप टू में अब क्या करना है, स्टेप वन तो आपका आगे के स्टार्ट मेनू यहाँ है, यानी कि फर्स्ट नंबर में यहाँ क्लिक करना है, वो भी माउस का लेफ्ट बटन। अब देखिए सेकंड स्टेप में दिया है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन। अब और प्रोग्राम कहाँ ऑप्शन आएगा, तो देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो यहीं पर आपका और प्रोग्राम लिखा रहेगा, ठीक है, जो और प्रोग्राम लिखा रहेगा तो हमको इस पे एक बार क्लिक करना, यानी कि सेकंड में होगी लेफ्ट माउस बटन। जैसे ही क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थर्ड ऑप्शन जाएंगे, यानी कि थर्ड स्टेप दिया क्लिक ऑन एसेसरी। जैसे ये आपका जो और प्रोग्राम जो खुलेगा, तो इसके बाद और एक आपका फाइल खुलेगा इधर ऐसे एसेसरीज में, आपका यहाँ लिखा रहेगा इसमें, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, यानी कि एसेसरीज आपका यहाँ मिलेगा, तो एसेसरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक आपका फाइल खुलेगा, फिर एक बॉक्स खुलेगा, यानी कि फोर्थ नंबर स्टेप में क्लिक ऑन एमएस पेंट, यानी कि एसेसरीज के बाद हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ एक और आएगा, जैसे कि नोट पैड आएगा, एमएस वर्ड आएगा, एमएस पेंट आएगा, इसी पे जहाँ पेंट लिखा रहेगा उस पर हम लोग लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा जो पेंट है वो ओपन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ इसका टूल्स है। जैसे ही मेरा पेंट जब खुल जाएगा तो उसके बाद टूल्स है मेरा, तो टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कहाँ कहाँ कौन टूल्स और क्या नाम है उसका। चलिए हम लोग जानेंगे, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाए थे और ओपन करने के लिए बताए हैं,
तो ओपन करने के बाद आपका कैसा दिखता है, जब ओपन होगा आपका पेंट तो कैसा दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या उसका काम है, क्या नाम है उसका। चलिए देखते हैं। ये जो फिगर है आपका, इतना फिगर, ये आपका पेंट खोलने के बाद ही आता है। जब पेंट खोलते हैं तो ये सारा चीज आता है। चलिए तो हम लोग बता दे, हम आपको बता देते हैं कि कौन क्या क्या नाम है। सबसे पहली बात, ये जितना यहाँ से व्हाइट एरिया है आपका, ये जितना व्हाइट एरिया है, ठीक है, ये जो व्हाइट एरिया है इसमें हम लोग ड्रॉइंग बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम है आपका ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया इसमें हम लोग काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं काम, हम तो हथौड़ा नहीं पीटेंगे इसमें और नहीं इसको मारेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। इसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि हम लोगों को कुछ नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं। तो नाम कहाँ से लिखिएगा, यहाँ आपका देखिए ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये आपका क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा सिलेक्ट करने को बोल रहा है, सिलेक्ट हो जाएगा मेरा इतना, और इसमें हम लोग राइट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मेरा यहाँ फिगर बनाना है, मान लीजिए स्टार बनाना है हमको, तो कुछ नहीं कर रहे, माउस का लेफ्ट माउस बटन, माउस का लेफ्ट माउस बटन को एक बार प्रेस करना है, पहले माउस का पॉइंटर इस पे लाना है, ठीक है, इस पे लाने यानी कि पहले इसको हम जान लें कि इसको क्या बोला जाता है, ये सारा चीज को, ये है आपका शेप यानी कि आकार, सारा आकार इसमें बना हुआ है, जैसा आपको देखेंगे वैसा आप बना सकते हैं, इसमें जैसा आप बनाना चाहते हैं, जितना इसमें आकार दिया हुआ है वो आप चाहेंगे कि हम लोग बनाएंगे तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग को बनाना है स्टार, तो स्टार की जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर मेरा यहाँ आ जाएगा, माउस पॉइंटर को लेफ्ट बटन प्रेस किए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जिधर खींचेंगे ना, जितना खींचेंगे, जितना बड़ा खींचते हैं उतना बड़ा मेरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब ये मेरा स्टार जो है बन जाएगा, जब स्टार बन जाएगा तो अब हमको फिलअप करना है, पेंट भरना है, इसमें कलर भरना है, तो हम कहाँ जाएंगे, कलर प्लेट में, यानी कि इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, इसमें ये है आपका कलर प्लेट, बहुत सारे कलर होते हैं। पहले हम कहाँ जाएंगे, कलर प्लेट तो लेके नहीं क्लिक होगा, पहले यहाँ देखिए फिल विथ ब्रश है, ये टूल्स है, ठीक है, ये ब्रश है, हम पहले इसको एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन, ठीक है, जब माउस से हम लोग सिलेक्ट करके एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार में इसको सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि माउस का लेफ्ट माउस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे एक बार, जब क्लिक हो जाएगा तो अब इसके बाद हम लोग कोई भी कलर पे एक बार सिलेक्ट करेंगे, जब कोई भी एक बार क्लिक करेंगे कलर पे तो फिर कलर पे हम लोग यहाँ लाएंगे और फिर एक बार प्रेस कर देंगे, कैसा प्रेस करेंगे, तब लेफ्ट माउस बटन इसमें ले जाकर और प्रेस करेंगे, मेरा जो व्हाइट रहेगा अंदर वो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चाहेंगे कि साइज को बढ़ाना या घटाना, तो यहाँ आपका साइज दिया हुआ है, आप खोलिएगा जब भी पेंट आपका सारा चीज ये दिखाया गया है, ठीक है, सारा चीज दिखाया जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग ये बना लिए, ये गलती से हमें गलती हो गया, ये मिटाना है, तो मिटाने के लिए दो तरीका होता है आपका, मिटाना है कैसे, तो आपका पहले तो यहाँ इरेजर है, ठीक है, इरेजर को लेकर हम लोग मिटा सकते हैं, इरेजर को यहाँ लाकर लेफ्ट माउस बटन प्रेस किए हुए छोड़ना नहीं है, और ऐसे ऐसे करेंगे जहां मिटाना वहां मान लीजिएगा वहां मिटते मेरा चला जाएगा, जैसे मान लीजिए चला जाएगा, ऐसे मिटते मेरा चला जाएगा, जितना मिटाएगा वैसे मिटते चला जाएगा, ठीक है। अगर पूरा मिटाना है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मिटाना है और जल्दी ही मिटाना है, तो उसमें बहुत आसान तरीका है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा बना हुआ है और ये मेरा पूरा मिटाना है एक ही बार में, कुछ नहीं करना, ये सिलेक्ट है आपका, ठीक है,
ये एक बार प्रेस कर रहे हैं माउस का लेफ्ट बटन, देखिए हमेशा आपका माउस का लेफ्ट बटन यूज होगा, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये सिलेक्ट है आपका, ये सिलेक्ट लेकर और सिलेक्ट यहाँ पकड़ेंगे, पकड़ के ऐसे ले जाएंगे और ऐसे चालू, यानी कि यहाँ लेफ्ट माउस बटन लाएंगे बटन को, और यहाँ से जब पकड़े रहेंगे, छोड़ना नहीं है, यहाँ से पकड़े खींचेंगे तो ये मेरा चारों तरफ से घिर जाएगा, ठीक है। और जब घिर जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि हटाना है, या तो कीबोर्ड का डिलीट बटन एक बार प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना, तब आपका हो जाएगा। अगर नहीं तो यहीं पर आपका ये सिलेक्ट करके और राइट बटन इस पे क्लिक करना है, राइट बटन क्लिक करने के बाद आपका डिलीट जहाँ लिखा रहेगा उस पर प्रेस करना है एक बार और ओके कर देना, आपका मेरा जो है डिलीट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको चाहते हैं कि यहाँ एक बन गया है, मान लीजिए यहाँ एक बन गया है, ऐसा ही एक और यहाँ बना दे, यानी कि हम बनाएंगे नहीं, यहाँ इसी को उठा कर ले जाएंगे ताकि मेरा दो को बचे, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्या करना है राइट बटन क्लिक करना है, ठीक है, और कॉपी लिखा रहेगा कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ ले जाकर राइट बटन प्रेस करेंगे और फिर पेस्ट लिखा रहेगा पेज पर क्लिक करेंगे कुछ, तब मेरा जो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ जो यही फिगर है यहाँ मेरा बन जाएगा, ठीक है। जब बन जाएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और लास्ट में जब मेरा मान लीजिए कि अगर बन गया तो इसको हटाना है, यानी कि बंद करना है, ठीक है, इस प्रोग्राम को बंद करना है, तो कुछ नहीं करना। अगर छोटा करना है तो मिनिमाइज कर लेना है, छोटा करना है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए छोटा मेरा स्क्रीन में आ गया है तो छोटा आ गया तो फिर मैक्सिमाइज करेंगे तो मेरा फुल स्क्रीन आ जाएगा। अगर पूरा हटाना है, ये पूरा जो फिगर है मैं कि पूरा प्रोग्राम वो हटाना है, तो हम लोग क्लोज बटन को प्रेस कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसके टूल्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग टूल्स के बारे में जब हम इतना आप लोग को बताएंगे, इतना इसलिए क्योंकि आप लोग आराम से इसको ओपन करके और देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग टूल्स के बारे में जान जानिए अच्छा से। तब तक के लिए थैंक्स।